नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है फास्टर प्लस न्यूज में। उपस्थित है जनपद कुशीनगर के महुआ स्टेशन के बगल में एक प्राचीन मंदिर है, यानी कि हनुमान जी और माँ बागेश्वरी का एक प्राचीन मंदिर है। क्योंकि बहुत दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं अपनी श्रद्धा को लेकर और दर्शन करते हैं हनुमान जी और माँ बागेश्वरी, उनकी मनोकामना को पूर्ण करती है। ये प्राचीन मंदिर है और यहाँ पता चला है कि रात में ही कुछ अराजक तत्व कुछ लोग आके इस मंदिर का ताला तोड़े हैं और छिद्र विद्र कर दिए हैं। हम मिलेंगे और पुजारी जी से बात करेंगे, जाने का प्रयास करेंगे कि यहाँ क्या क्या घटनाएं घटी हैं। और ये भी मालूम चला है कि हनुमान जी की प्रतिमा को भी तोड़ दिया गया है, क्या सच्चाई है? हम सीधा यहाँ रूबरू होंगे। आप देख सकते हैं ये हनुमान जी का ये मंदिर है, ये मुख्य द्वार है। और काका जी, ये एक तला टूटल है। हाँ। का नाम हो क्या चाचा आपके? दीना सिंह। अच्छा, कहाँ रह ले? हमारे घर महुमा। अच्छा, रात में चल जाइले, सुबह शाम हम आईले, माता जी के सेवा करे लिए, धोवेली धावेली कपूर अगरबत्ती जरावेली, हमारी यह रोज काम है। आज सवेरे आईनी है तो देखली है ताला दोनों दू और पाइप हमारा सब टूट के बिक दिया हलवा। ताला दोनों दू और कमरे में हनुमान जी का भी टुकड़ा दूग हो गया बा, और कपड़ा लत्ता जौन के फूक दिया बा। इसमें 500 रुपया का चोरी भइल बा? 500 रुपया रहा है, 10-10 का सिक्का रहा है, धैले रही है, वो चल गई। आ हनुमान जी के पहरे वाला कपड़ा फूक दिया बा यही में, और यह कुछ सामान गई बा, सब फोर कुछ दिया बा। के संदेह जाता के ऐसा कैले हो? अब संदेह तो हमारा बताई। हाँ, मैंने ई नहीं क्या संदेह लगा कि क्यों संदेह क्यों बनाई बा। अच्छा, चलिए आइए चाचा इधर। यही मंदिर का द्वार टूटा है ना? हाँ। अच्छा, ताला टूटा है। हाँ, देख सकते हैं कि यही मंदिर है और ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है। जैसे कहा जाता है कि दुनिया चलेला श्री राम के बिना और राम जी ना चले श्री हनुमान के बिना। आज हनुमान जी के प्रतिमा को तोड़ दिया गया है, कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी बात है हिंदू धर्म के लिए, जो आस्था के केंद्र बिंदु मानी जाती है। और ऐसे बाबा के साथ कुछ अराजक तत्व लोग इस तरह के अपराध किए हैं जो बहुत ही निंदनीय है, इसको संज्ञान में लेने की जरूरत है। जो भी इस तरह के कार्यों को अंजाम दे रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई करने की जरूरत है, क्योंकि ये छोटा मोटा अपराध नहीं है। हिंदू धर्म के लोगों के आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, हिंदू धर्म के आस्था के साथ खेलने का प्रयास किया जा रहा है, तो उनके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मंदिर में क्या क्या घटनाएं घटी हैं, क्या क्या नुकसान हुआ है, और सबको बखूबी हम दिखाएंगे। ये देखिए ताला है और इसी ताले को तोड़ दिया गया है। तोड़ने के बाद इस मंदिर के अंदर प्रवेश किया गया है, बकायदा चोरी किया गया है, बकायदा अंजाम दिया गया है। पैसे भी चोरी हुई है? हाँ, 500 रुपया रहा है। अच्छा, चढ़ावा जो भी आता? हाँ, जो भी चढ़ावा रहा, जो भी मंदिर में लोग दूर दूर से आते हैं वो चढ़ावा दे के जाते हैं, उस चढ़ावे को यहाँ जो अपराधी आए वो चुरा के लेके चले गए। और यहाँ देख सकते हैं कि कई कपड़े को भी जला दिया गया है, जो भी यहाँ चुंदरी वगैरह चढ़ाने लोग आते हैं भक्त। हाँ, अच्छा, हनुमान जी के जो भी अंग वस्त्र थे यहाँ जला के देख सकते हैं कि जला के फेंक दिया गया है। ये कहीं ना कहीं एक अपराध दर्शा रहा है और ऐसे निंदनीय कार्य नहीं होना चाहिए। आइए हम लेके चलते हैं आगे। हाँ, दिखाते हैं और क्या क्या नुकसान हुआ है। ये माँ बागेश्वरी का प्रतिमा है और ऐसा माना जाता है कि ये बहुत ही चर्चित मंदिर है, चूँकि स्टेशन के जस्ट बगल में है और यहाँ दूर दूर से भक्तगण आते हैं दर्शन करने के लिए। और जो भी दर्शन करने के लिए आते हैं, अगर उन्हें प्यास लगती है तो प्यास बुझाने के लिए यहाँ जल भी का भी व्यवस्था किया गया था, हैंड पाइप का। आप देख सकते हैं हैंड पाइप कितने खंडों में खंडित हो चुकी है। और इसे बखूबी हमें लगता है कि धारदार हथियार या किसी असलहे से इसे मारकर तोड़ा गया है। देख सकते हैं छिद्र का बिद्र है। आइए अंदर भी लेके चलते हैं। ये भी ताला टूटा है, लगभग 2-3 कमरे का ताला टूटा है क्या? हाँ, 2-3। हाँ, चलिए, ये दरवाजा है और इसका भी ताला टूट गया है। अंदर देखिए, देखिए सामान मैंने पूरा, ये देखिए सारा सामान है। हाँ। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत है। और इस तरह के कार्यों को जो भी अंजाम दे रहे हैं उनके ऊपर कार्यवाही होनी चाहिए और विलंब होना चाहिए, और इस पर प्रशासन अपने संज्ञान में ले। और ये यहाँ कितनी बार घटना घट चुकी है चाचा पुजारी बाबा? दो बार हो चुकी है। कभी आपने पुलिस कार्रवाई की मांग की? हाँ, वो भी बुलाए थे पुलिस। अच्छा, इस बार बुलाए? हाँ।
सौ नंबर आया था, सौ नंबर आया हाँ, एक बार क्या कार्यवाही से संतुष्ट हैं आप? हम लोग लिख के ले गए हैं तो हम तो संतुष्ट हैं। क्या लग रहा है, काहे तोड़ रहे हैं इस मंदिर के दरवाजे? अब ये तो हम नहीं बता पाएंगे, इसके पीछे क्या लॉजिक है? क्या भैया, हिंदुओं के आस्था से खिलवाड़ किया जा रहा है, हिंदुत्व के साथ मजाक किया जा रहा है। बताइए, हनुमान जी का मंदिर, हनुमान जी की प्रतिमा जो है नुकसान किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, यह एकदम सरासर अन्याय किया जा रहा है। ये कौन कर रहा है, क्या लग रहा है? कुछ दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होंगे। किसी से संदेह जा रहा है? संदेह नहीं जा रहा है, अब किसको संदेह जाएगा। ये क्या लग रहा है, बाहरी लोग हैं या फिर अगल बगल के लोग हैं? लोग के बारे में नहीं बताया जा सकता है, क्योंकि मान लीजिए अब हिंदुत्व के साथ मजाक खेलवा, यार हिंदुत्व के साथ खेला जा रहा है, हिंदुत्व के आस्था के साथ खेली जा रही है। एक काका है पुजारी बाबा, ये बताइए अगली बार जब ऐसा चोरी हुआ था तो पुलिस आई थी, कुछ कार्यवाही हो रही थी, किसी को पकड़ी उकड़ी थी? नहीं नहीं, कोई कार्यवाही नहीं हुआ था, किसी को पकड़े नहीं, लोग आए थे, लोग देखो के अपना। क्या लग रहा है कि कौन ऐसा कर सकता है, बार बार ताला तोड़ रहा है? साहब ये नहीं बताएंगे हम, ये नहीं बताएंगे कि कौन तोड़ रहा। कुछ है आभूषण वगैरह भी चोरी हुई है? नहीं नहीं, जैसे सोने चांदी? नहीं नहीं, कुछ नहीं, यहाँ आवा तो आता ही नहीं, ये सब। चलिए, ये जांच का विषय है और इसको संज्ञान में लेने चाहिए प्रशासन को, क्योंकि यहाँ दूसरी बार इस मंदिर पे चोरी हो चुकी है, दूसरी बार यहाँ के ताले को तोड़ा गया है और इस तरह के अराजक तत्व फैलाए जा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि इस यह मंदिर जो है बहुत ही प्राचीन है, लेकिन दुख की बात यह है कि दूर दूर से लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। जस्ट स्टेशन देख सकते हैं, स्टेशन के जस्ट बगल में ही है, लेकिन उससे भी दुख की बात यह है कि इस मंदिर पे आने के लिए कोई अच्छा व्यवस्था, रोड सड़क नहीं है। ये भी सड़क का निर्माण होना चाहिए और इस मंदिर को संज्ञान में लेना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में फिर ऐसी गलती कोई न कर सके और इस पे गंभीरता से इस मामले को संज्ञान में लेकर प्रशासन इस पे कार्रवाई करे। देख सकते हैं यही रास्ता है जो सीधा स्टेशन से होके आता है, लेकिन भैया यहाँ आने के लिए शुद्ध व्यवस्था नहीं है। तो मैं उन नेतागण से भी कहना चाहूँगा, इस मामले को संज्ञान में लें और इस मंदिर पे आने के लिए एक रास्ते का भी निर्माण करा दें, ताकि जो भी भक्त आए वो सरलता से आ जाए। भैया आए जाए, दिक्कत होता है? हाँ बहुत दिक्कत होता है, रास्ता शुद्ध ही नहीं है, देखिए कहीं रास्ता नहीं दिक्कत है, हर लोग पानी हेल के आते हैं, कोई रास्ता नहीं है यहाँ। क्या शासन से मांग करना चाहिए? और सरकार से हम यही कहेंगे भाई, हमको आने जाने के लिए बढ़िया रास्ता। आज के जो घटना हुआ इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? अब क्या कहें हम, क्या मांग करना चाहेंगे? आज की घटना देखकर हम शासन प्रशासन से यही कहना चाहेंगे कि जो ऐसी घटनाएं घट रही हैं, इसे देखते हुए बंद कराया जाए और सुदृढ़ व्यवस्था किया जाए, फिर दोबारा ऐसा दुर्घटना ना हो, दिक्कत ना हो। तो यहाँ की मांग है पुजारी और यहाँ के जो भी लोग हैं, इनकी मांग है कि इस मामले को संज्ञान में लिया जाए और इस पे कार्रवाई किया जाए कि दोबारा ऐसी घटना न घटे, क्योंकि दूसरी बार यहाँ का ताला टूट चुका है और यहाँ के जो भी चढ़ावे हैं 500 रुपया धनराशि है वो उसको भी लेके जाया गया है, और यानी कि हनुमान जी के जो भी अंग वस्त्र हैं उसको भी जलाया गया है, हैंडपाइप को भी तोड़ दिया गया है। इन सभी मामले को संज्ञान में लें। और दूसरी बात यह है कि यहाँ आने के लिए रास्ते नहीं हैं, तो चूंकि भक्तों को आने में दिक्कत होती है तो इसको भी संज्ञान में लिया जाए। उन नेतागढ़ से निवेदन है कि यहाँ भी रोड बनवाने का काम करें। तो देखते रहे फास्टर प्लस न्यूज़, बने रहे, धन्यवाद।